हाय, मैं हूँ योशु। मायापुरी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के चलते ऐसी कई सारी फिल्में हैं जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही हैं। लास्ट ईयर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था जब थिएटर्स बंद हो गए थे कोविड-19 के चलते, और अब एक बार फिर ऐसे कई सारे स्टेट्स हैं जहां पे थिएटर्स बंद हैं। इसी के चलते मेकर्स प्लान कर रहे हैं अपनी फिल्मों को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करने के लिए। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ऐसे कई सारी अपकमिंग फिल्में हैं जो रिलीज़ होने जा रही हैं। हाल ही में ऐसी खबर सामने आई थी कि हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत पुलिस, जिसमें सैफ अली खान, अर्जुन कपूर, जैकलीन फर्नांडिस और यामी गौतम नज़र आने वाले हैं, डायरेक्टली ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होने जा रही है। इसके अलावा हंगामा 2 भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो रही है। वहीं दिनेश विजन की फिल्म शिद्दत भी ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने जा रही है। शिद्दत में हमें राधिका मदान, सनी कौशल नज़र आने वाले हैं। साथ ही साथ डायना पेंटी और मोहित रायना भी लीड रोल्स में नज़र आएंगे। इसके अलावा कृति सेनन की फिल्म मीमी भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने जा रही है। और लास्टली कृति कुल्हारी की फिल्म एक रोड ट्रिप पे जो बेस्ड है शादिस्तान, ये भी ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होगी। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन गलत रीजंस की वजह से न्यूज़ में रहे हैं, लेकिन तब से उन्होंने दो और फिल्में साइन कर दी है, ऐसा बताया जा रहा है। बता दें कि कार्तिक को इस बिजनेस में 10 ईयर्स हो चुके हैं, और वहीं अब उन्होंने साइन कर लिया है हंसल मेहता की अगली फिल्म को। ये फिल्म साजिद नाडियाडवाला के बैनर के अंडर बनने जा रही है। सोर्सेज से पता चला है कि ये कमर्शियल फिल्म है जिसमें हंसल का टच नज़र आएगा। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन एक बहुत ही खास किरदार प्ले करने जा रहे हैं। कार्तिक आर्यन इस फिल्म में एक IAF ऑफिसर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। वो मेन पायलट होंगे जो एक रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल होंगे। अगर रेखा जी के बाद ऐसी कोई एक्ट्रेस जो मुजरा को स्टनिंग बना सकती है, वो और कोई नहीं बल्कि माधुरी दीक्षित है। माधुरी दीक्षित ने संजय लीला बंसाली की फिल्म देवदास में जो चंद्रमुखी का कैरेक्टर प्ले किया था, अब तक का उनका करियर का वन ऑफ दी बेस्ट परफॉर्मेंस माना जाता है। बता दें कि इसी के चलते माधुरी दीक्षित और संजय लीला बंसाली एक और प्रोजेक्ट के लिए टॉक्स में बने हुए हैं। माधुरी दीक्षित और संजय लीला बंसाली एक बार फिर रीयूनाइट करने जा रहे हैं स्क्रीन पर, और इस प्रोजेक्ट का नाम है हीरा मंडी, जो काफ़ी टाइम से संजय लीला बंसाली प्लान कर रहे थे। ये प्रोजेक्ट नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगा। बता दें कि माधुरी दीक्षित के साथ साथ इस प्रोजेक्ट में हुमा कुरैशी भी नज़र आने वाली हैं और सोनाक्षी सिन्हा भी नज़र आएंगी। इन तीनों को लॉक कर दिया गया है इस प्रोजेक्ट के लिए। वहीं ये प्रोजेक्ट जो है ये काफ़ी ग्रैंड स्केल पर बनने जा रहा है, और इस प्रोजेक्ट का काफ़ी लैविश बजट भी है। मंडे के दिन महाराष्ट्र में साइक्लोन आया था, जिसके चलते काफ़ी डैमेजेस इनकर हुए थे। साथ ही साथ ऐसे कई सारे फिल्मों के सेट हैं जिन्होंने डैमेजेस फेस किए थे। हाल ही में ये खबर सामने आई थी कि अजय देवगन की फिल्म मैदान के सेट्स को काफ़ी डैमेजेस इनकर करने पड़े इस साइक्लोन, हैवी विंड्स और हैवी रेन्स के चलते। और अब ऐसी खबर सामने आ रही है कि सलमान खान की अपकमिंग फिल्म Tiger 3 के सेट्स भी डैमेज हो चुके हैं। गोरेगांव में Tiger 3 की शूटिंग के लिए दुबई मार्केट का सेट बना था, जो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है साइक्लोन के चलते, लेकिन कोई भी लॉस ऑफ लाइफ की खबर सामने नहीं आई है। इन डैमेजेस को इनकर करने के लिए अब फिल्म मेकर्स प्लान कर रहे हैं सेट को दोबारा से रिपेयर करने के लिए। Amazon Prime Videos ने एक्सक्लूसिवली अनाउंस कर दिया है कि परिणीति चोपड़ा और अर्जुन कपूर स्टारर फिल्म संदीप और पिंकी फरार लॉन्च हो चुका है 28 मई 2021 को इंडिया में, और साथ ही में 240 प्लस कंट्रीज में वर्ल्ड वाइड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Amazon Prime Videos में। ये एक एजी थ्रिलर फिल्म है जिसमें हम परिणीति चोपड़ा और अर्जुन कपूर के साथ साथ देखेंगे नीना गुप्ता, रघुवीर यादव और जयदीप इलावत को। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दिबाकर बैनर्जी ने। बता दें कि ये फिल्म दो इंडिविजुअल लोगों के बारे में है जो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है, और कैसे एक दूसरे से मिल जाते हैं। दोनों के बीच में मिस्ट्रस्ट, सस्पिशियस और हेट्रेड भी देखने को मिलता है। बता दें कि पहले ये फिल्म मार्च के मंथ में थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी। अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा को एक साथ इशक ज़ादे फिल्म में देखा गया था, जिसकी वजह से दोनों ने सिल्वर स्क्रीन पर, जिसके बाद इन दोनों की जोड़ी काफ़ी पॉपुलर हो गई थी, और अब हम इन दोनों को इस फिल्म में देखेंगे।
सिंगर अरिजीत सिंह की मदर की एज 52 थी। बता दें कि वो एक ट्रीटमेंट फॉलो कर रही थी कोविड-19 के चलते। हालांकि उनके टेस्ट नेगेटिव आए थे, लेकिन सेरेब्रल स्ट्रोक के चलते उनकी डेथ थर्सडे May 20th को ही हो गई। बता दें कि कोविड के चलते उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था और वो ठीक भी हो गई थी। 17 मई को उनके रिपोर्ट्स नेगेटिव भी आए थे मंडे के दिन, लेकिन सेरेब्रल स्ट्रोक के चलते उनकी डेथ हो गई। इसी के चलते अरिजीत सिंह के फैंस और उनके फ्रेंड्स उन तक कोंडोलेंसेस पहुंचा रहे हैं और उनकी मॉम की डेथ को मौन कर रहे हैं। सलमान खान और दिशा पाटनी की फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई ईद के मौके पर रिलीज हुई थी डिजिटल प्लेटफॉर्म और साथ ही साथ थिएटर्स पर। बता दें कि राधे और मोस्ट वांटेड भाई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही है और कई सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करती हुई नज़र आ रही है। वहीं इसी के साथ साथ सलमान खान की फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई बन चुकी है द फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म एवर लाइव जाने के लिए एप्पल टीवी में ओवर 65 कंट्रीज। इन कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स जैसे कि अफ्रीका, एशिया, यूरोप, साथ ही साथ बेल्जियम, डेनमार्क, कैनेडा, फीजी, मलेशिया, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और मॉरिशियस, इन सारे जगहों पर ये फिल्म दिखाया गया एप्पल टीवी पर। जहां इतने टाइम से सेकेंड वेव के चलते कई सारे सेलिब्रिटीज़ को आसानी से बाहर नहीं स्पॉट किया जा रहा था, वहीं अब कुछ समय बाद क्योंकि मुंबई में केसेस दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं, वहीं अब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को बाहर निकलते हुए देखा जा रहा है और मुंबई सिटी में स्पॉट किया जा रहा है। हाल ही में जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर को बाहर साइकिल चलाते हुए देखा गया। जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर दोनों ही काफ़ी बड़े फिटनेस फ्रीक हैं और दोनों को एक्सरसाइज में अपना ध्यान लगाते हुए देखा जाता है। कुछ पिक्चर्स सामने आई हैं जिसमें हम जाह्नवी और खुशी को साइकिल चलाते हुए देख सकते हैं मुंबई सिटी में। वहीं सेफ्टी के चलते दोनों ने मास्क भी लगाया हुआ है और दोनों स्पोर्टी गियर्स में पाए गए। बॉलीवुड एक्ट्रेस राधिका आप्टे ने हाल ही में इस चीज़ को एड्रेस किया है कि जब वो इस इंडस्ट्री में न्यू आई थी तो उन्होंने एक फ़िल्म की थी। बता दें कि इस फिल्म के चलते उनकी एक न्यूड क्लिप आउट हो गई थी, लीक हो गई थी, जिसके चलते वो कई दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं जा रही थी क्योंकि उनको इस बात का डर नहीं लग रहा था कि मीडिया क्या कह रही है। लेकिन उनके स्टाइलिस्ट, उनके ड्राइवर और बाकी के वर्कर्स उनको पहचान पा रहे थे इस वीडियो के चलते, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अशेम्ड फील कर रही थी। इसी चलते वो अपने घर के अंदर ही थी और अपने घर के बाहर काफी दिनों तक नहीं गई थी। राधिका आप्टे ने ये भी कहा कि इस इंसिडेंट ने उन्हें काफी हद तक इफेक्ट कर दिया था। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर, जो पैपराजी के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन निभाते हैं, उन्होंने हाल ही में रिवील किया कि ऐसा टाइम भी आता है जब वो पैपराजी के ऊपर भड़क जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि पैपराजी उनकी फ़ोटो लेती है अपने लाइवलीहुड के लिए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, और अर्जुन कपूर जितना हो सके उनके लिए पोस्ट करते हैं ताकि उनको भी अपनी रोजी रोटी मिल सके। लेकिन बता दें कि अर्जुन कपूर ने ये भी कहा कि कभी कभार पैपराज़ी अपने लिमिट्स क्रॉस कर देती है, जिसके बाद अर्जुन कपूर को कुछ कहना पड़ता है और थोड़ा रूड होना पड़ता है, क्योंकि अगर रात के 12 बजे वो उनके घर में एंटर होकर चिल्लाने लग जाए तो नाम तो अर्जुन कपूर का खराब होगा। ऐसा खुद अर्जुन कपूर ने कहा। आज के लिए इतना ही। लेटेस्ट बॉलीवुड न्यूज और हॉट गॉसिप के लिए सब्सक्राइब करें मायापुरी कार्ट।